हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का बेस्ट 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के सीरीज में। गाइस इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे हम टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ। तो गाइस आपको अगर पता नहीं होगा तो अर्न अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 डेज का क्रैश कोर्स है एंड वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। मेरे स्पेशल क्लासेस में आपको जाना होगा, आपको मेरी भरत मानगांव करके प्रोफाइल सर्च करना होगा गाइस। एंड वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल के पास आपको स्पेशल क्लासेस दिखेगा, आपको सभी क्लासेस देखने गए, क्योंकि वहां पे मैं क्वालिटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ एंड पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन का। तो अगर अब तक आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे जगह बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कभी भी दो पास के नंबर के होंगे तो पास के दो नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आता है तो 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 625 आता है। एंड यहाँ पे ये 25 यहाँ पे 23 एंड 27 से कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा एंड 2 कम है, तो यहाँ पे ऑलवेज माइनस का साइन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जितना ज्यादा जितना कम होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस का साइन देने के बाद, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 625 -4 क्या आता है, यहाँ पे 621 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 42.84% मतलब क्या आता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे 14.28% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/7 आती है। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 42. यहाँ पे 84% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3/7 मिल जाएगी। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे डिविजन का साइन है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 3/7 लिख दूंगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 210 है एंड फिर से डिविजन में क्या है, यहाँ पे 10 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 3 जा एंड पीछे 10 एंड 3 3 जा क्या आता है, 3 3 जा यहाँ पे 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे डिविजन में क्या है, डिविजन में 10 है, तो इसके डिविजन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 621 डिविजन में क्या है, अब यहाँ पे 0 से 0 कट होने के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 621 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 9 6 क्या आता है, 9 6 यहाँ पे 54 आता है। ठीक है, एंड 6 और 2 8 बचा एंड 1 लूंगा, 99 जा क्या आता है, 99 जा 81 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 69 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 29 का स्क्वायर क्या है गाइस, सॉरी, अब गाइस यहाँ पे 29 का स्क्वायर क्या है, 29 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आता है, 841 आता है। माइनस के साइन में क्या है, 13 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 169 आता है। प्लस के साइन में क्या है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर के 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/4 आती है। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 31. यहाँ पे 25% है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 6.2% की फ्रैक्शन क्या आती है, 6.2% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/16 आती है। ठीक है, अब गाइस अगर यहाँ पे 6.2% की फ्रैक्शन 1/16 आती होगी तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 31. यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5/16 यहाँ पे 16 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 31.25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/16 यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 40 and 96 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। यहाँ पे 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 2 8 बचा 9 बचा, 16 5 9 बचा 6 बचा, 16 6 96। ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 6 24 एंड 4 4 यहाँ पे 16। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, पीछे 10 लगा के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना क्या, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पीछे 10 लगा दूंगा तो यहाँ पे 640 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 600 का आधा क्या आता है, 300 एंड 40 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे 64 इंटू क्या था, 5 था। ठीक है, 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, पीछे 0 लगाना एंड यहाँ पे 2 डिविजन में है तो 2 से डिवाइड कर देना, तो 5 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, यहाँ पे पीछे जीरो लगा के यहाँ पे टू से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्टकट वे में बता दिया। अब गाइस आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है एंड यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 - 1 क्या आता है, 7 आता है, 7 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेंगे क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने दो दो डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे 4 - 6 क्या आता है, -2 - 2 एंड +2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 1 - 9 क्या आता है, -8 आता है, -8 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, 1000 - 80 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 920 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 920 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 37.5% है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/8 यहाँ पे 8 आती है, ठीक है। अगर आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे क्लास नंबर 1 आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 आती है, तो दोनों तरफ अगर मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3/8 यहाँ पे 8 मिल जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 3/8 लिख दूंगा, ठीक है। 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 2 16, 4 बचा 0 बचा, 8 5 40, ठीक है। एंड यहाँ पे पीछे 1 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे 250 का 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 750 मिलेगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1035 है, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन ही कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 23 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, 23 4 क्या आता है, यहाँ पे 92 आता है, ठीक है। 8 और 3 क्या आता है, 11 आता है, एंड यहाँ पे 5 पीछे ले लूंगा मैं। अब यहाँ पे 23 5 क्या आता है, 23 5 115 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 15x मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का सब्रैक्शन क्या आता है, यहाँ पे 50 - 45 क्या आता है, यहाँ पे 0.5 आता है, ठीक है। मतलब 705 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15x मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 15 4 एंड यहाँ पे 10 बचा 5 बचा, ठीक है। 15 7 क्या आता है, 105 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ, अब ये कलर मुझे बोर हो गया है। अब कैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब बेसिकली अब यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट के नंबर है, ठीक है। तो इसे होल नंबर में यानी कि इंटीजर में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0.25 है, 0.25 को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.25 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। अगर इसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से भी 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 + 1 क्या आता है, 8 + 1 यहाँ पे 9 आता है। अगर यहाँ पे इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहाँ पे दोनों को अगर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सम आएगी उस सम को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2.25 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2.25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9/4 यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 160 है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 4 एंड पीछे 1 0, एंड 9 4 क्या आता है, 9 6 36 एंड पीछे 1 0 लगेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 15 21 अंडर रूट में, तो ये किसका स्क्वेयर रूट है गाइस, ये यहाँ पे आपको 39 का स्क्वेयर रूट दिखेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 21x मिलेगा। अब मैंने इतने फास्ट वे में कैसे निकाला, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है, 40 का स्क्वायर यहाँ पे 16 and 00 आता है, 1600 आता है, एंड ये 1521 1600 से नजदीक है, एंड यहाँ पे कम भी है, 1600 से कम है ना, इसका ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 के स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कम ही आएगा। इसका ही मतलब एक तो 39 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 38 का स्क्वायर हो सकता है, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट से मैंने 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या था, 1 था, एंड यहाँ पे 9 के स्क्वायर में क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 आता है, एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1521 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, यूनिट डिजिट पे 4 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 64 नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे 38 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस।
अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना गाइज, क्योंकि मैं आप ही के लिए हूँ, आप ही के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हूँ। अब गाइज इन दोनों की एडिशन कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 एंड यहाँ पे सॉरी 3 9 एंड यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे 3 9 एंड यहाँ पे 9 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 यहाँ पे एक्स मिलेगा, ठीक है। ये कलर भी बोरिंग है, ब्लू कलर लेते हैं। अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर क्या, सॉरी 21 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 1 21 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 18 बचा एंड यहाँ पे पीछे 9 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 29 9 सा क्या आता है, 29 9 सा यहाँ पे 189 आता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 19 मिल गई। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 17 का क्यूब क्या आता है, 17 का क्यूब यहाँ पे 49 एंड यहाँ पे 13 आता है। अगर आपको यहाँ पे क्यूब नहीं पता होंगे तो 20 तक तो भी क्यूब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइड में क्या है, यहाँ पे 12 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 28 आता है। प्लस के साइड में क्या है, अब यहाँ पे 6 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 216 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 19 यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन एंड सब्रैक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे दो दो डिजिट के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 है, ठीक है, 49 है। एंड यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं इन दोनों की भी एडिशन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 एंड प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 15 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 28 है एंड यहाँ पे 16 है, 28 माइनस 16 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे 49 में से मुझे यहाँ पे 15 निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 34 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 में से मुझे यहाँ पे 11 12 निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 01 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19x मिल जाएगा। आई होप कि मैं यहाँ पे करेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 1 19 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 11 एंड 5 क्या बचा, 50 बचा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 19 6 114, 19 7 यहाँ पे 133, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 कैरी करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 19 9 आता है शायद, 19 9 क्या आता है गाइस, 19 9 यहाँ पे 179 आता है, 80 एंड 90, ठीक है, 19 9 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 179 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, तो 28 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 28 का स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, मैं कुछ और ही सोच रहा था, यहाँ पे 784 आ जाएगा, ठीक है। 28 का स्क्वायर यहाँ पे 784, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 21 का स्क्वायर रूट दिख रहा है। माइनस के साइन में क्या है, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 31 का स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 900 आता है, एंड यहाँ पे 900 से ये 961 थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब 31 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे 31 में यूनिट डिजिट पे 1 है, एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स का क्यूब मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 45 है, ये जो 45 है, इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आने के बाद ये माइनस के साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 45 हो जाएगा, तो यहाँ का प्लस 45 इस डायरेक्शन में चला गया। अब यहाँ पे प्लस का 21 है एंड माइनस का 31 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे माइनस का 10 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 10 एंड यहाँ पे माइनस का 45, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 784 में से मुझे यहाँ पे 55 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 60 निकाल के 5 जोड़ दूंगा, यहाँ पे 60 निकाल के 5 जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे -60 एंड +5 क्या आता है, -55 आता है। एंड इस -55 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसमें से 60 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 60 चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 724 मिलेगा, ठीक है। 724 एंड 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 729 मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का क्यूब मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा तो ये तो 9 का क्यूब है, इसका ही मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 9 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, बेसिकली यहाँ पे 16.66% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/6 आती है। 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 2 जा 6 1 जा एंड यहाँ पे 6 3 जा, प्लस
प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा, क्योंकि परसेंट साइन क्या होता है, यहाँ पे टू जीरो कटर होता है। परसेंट साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे 30 था बेसिकली, एंड परसेंट साइन को मैंने यहाँ पे 1/100 लिखा, एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या था, यहाँ पे 140 था। तो यहाँ से एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा, नीचे के एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कट हो जाएगा, एंड यहाँ पे 14 3 क्या आता है गाइस, 14 3 14 तरीक बेचा, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 7.14% मतलब क्या आ जाएगा, 7.14% मतलब यहाँ पे 1/14 आ जाएगा, ठीक है। इनटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 56 है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14 4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, सिंपली -4 मिल गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, अभी जो -4 है एंड यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 38 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे 213 है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। अब 213 प्लस यहाँ पे 38 क्या आ जाएगा, 38 प्लस 13 क्या आता है, 41 एंड 51 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 251 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, यहाँ पे 251 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे सिंपली एक्स है। अब यहाँ पे 37 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर होगा अगर वो यहाँ पे 50 से कम होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं आपको एकदम बेस्ट वे में बता दूंगा, ठीक है। अब ये 50 से कितना कम है, 50 से -13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 आता है। आपको एंड के दो ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे एंड के दो डिजिट क्या है, यहाँ पे 69 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग रहे बचेगा, यहाँ पे ये जो प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये दोनों के दोनों, वो आपको यहाँ पे 25 में से एड एंड सब्रैक्ट करने है। अब यहाँ पे 25 -13 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 25 -13 क्यों, क्योंकि ये 50 से 13 कम था, तो यहाँ पे 25 -13 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 12 + 1 क्या आ जाएगा, 12 + 1 यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 69 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऐसे ही गाइस यहाँ पे 33 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 50 से कितना कम है, 50 से ये तो 17 कम है, ठीक है। अगर ये 17 कम है, 17 कम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, 17 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है, बट आपको तो एंड के दो ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 89 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग बचेगा, ये जो है प्लस का 2, ये प्लस का 2 आपको यहाँ पे लिखना है। अब ऑलवेज आपको यहाँ पे जो भी दो नंबर आएंगे वो आपको यहाँ पे 25 में से एड एंड सब्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 25 -17 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड 8 + 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 एंड 89 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, 27 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 729 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 41 का स्क्वायर, अब ये 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है, एंड 25 -9 क्या आता है, 25 -9 यहाँ पे 16 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आप बिना लिखे भी ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड हो जाए एंड यहाँ पे हौच पौच ना लगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एक सेकंड, आबरा का डाबरा छुबंतर, तो यहाँ पे क्या भाई, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो 1369 है इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1369 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे स्टार्ट दो दो डिजिट छोड़ के बाकी के जितने भी रिमेनिंग डिजिट रहेंगे उसके साथ खेलूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 + 7 क्या आता है, 17 आता है, 17 + यहाँ पे 16 क्या आता है, 33 आता है, ठीक है। 33 -13 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है, तो यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिजिट मैंने छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे 8, ठीक है, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 - 6 क्या आ जाएगा, 18 - 6 यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। शायद मैं सही चल रहा हूँ, 8 8 + 2 10, 10 एंड 18 18 - 6, ओके ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे 9 9 + 9 क्या आता है, 18 आता है, 18 + 1 क्या आता है, 19 आता है, 19 - 9 क्या आता है, 10 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 10 मिल जाएगी, ठीक है। अगर गाइस सॉरी 21 एंड यहाँ पे 30 मिल जाएगी, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 1 एंड यहाँ पे 3 0 मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। अगर गाइज मेरा कोई गलत आता है आंसर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, क्योंकि मुझे भी मेरा करेक्शन पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंपली इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अब यहाँ पे 27 का डिवीजन में, ठीक है, तो इसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 4 32 अपॉन में यहाँ पे 27 इंटू के साथ में यहाँ पे 21 है इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स माइनस। अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 17 त्रिक क्या आता है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे 17 3 क्या आता है, 17 3 यहाँ पे 51 आता है, 17 3 यहाँ पे क्या आता है 51 आता है, एंड पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस के साइड में क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से 17 3 क्या आता है, 17 3 यहाँ पे 51 आता है। अब गाइस अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे माइनस के साइन से डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसे टाइप में, तो मैंने आपको ब्रैकेट लगा के पता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 एंड यहाँ पे 3 9 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 4 एंड यहाँ पे 7 बचा 2 बचा 9 8 जा क्या आता है 72 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 4 जा क्या आता है 28 आता है एंड पीछे एक जरूर लगेगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 7 8 क्या आता है 56 आता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे 510 माइनस का साइन, माइनस इनटू प्लस क्या आता है माइनस आता है, एंड यहाँ पे 51 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 561 मिल जाएगा। अभी जो माइनस का 561 है इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 561 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 561, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 28, 28 प्लस 5 क्या आता है 33 आता है, ठीक है, 33 प्लस 56 क्या आता है 33 प्लस 56 यहाँ पे 89 आता है, एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 प्लस एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 897 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 897 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करना है तो 11 5 55, 4 बचा 4 बचा 11 4 जा प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों के 18 × 12 मतलब क्या, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 15 आता है, 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 225 आ जाएगा, ऑलवेज माइनस का साइन देना है। अब ये जो 18 है ये 50 से कितना ज्यादा कितना कम है, ये 15 ये 18 एंड 12 से कितना ज्यादा कितना कम है, 3 ज्यादा 3 कम है, तो यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 9 मिलेगा। एक सेकंड में चार्जिंग प्लग इन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैटरी काफी, ठीक है, अच्छा हो गया लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है गैस, अब यहाँ पे माइनस के साइड में क्या है, एक सेकंड यहाँ पे कर्सर का आ गया, माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 841 है, ठीक है, तो 841 का स्क्वायर रूट क्या आता है यहाँ पे 29 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे -9 करूंगा तो यहाँ पे प्लस का 45 मिलेगा, प्लस का 45 एंड यहाँ पे 225 क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 दे दूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 40 क्या आता है यहाँ पे 270 आता है, 270 माइनस 29 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे -29 मतलब यहाँ पे 30 निकाल के एक जोड़ दूंगा तो 30 निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 240 मिलेगा, एंड यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा तो 241 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 241 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आप 101% सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक्स अभी जो माइनस का 196 है इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 196 तो हो जाएगा, इंटू के साइन में क्या है, सॉरी प्लस के साइन में क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है गाइस, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 17 इंटू यहाँ पे 17 इंटू क्या हो जाएगा ये किसका स्क्वायर रूट है यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 17 2 जा क्या आता है यहाँ पे 34 आता है, पीछे एक जीरो लगेगा, प्लस के साइन में क्या है 17 चौक क्या आता है यहाँ पे 68 आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे 196 था। अब गाइस यहाँ पे इन तीनों की एडिशन कर देते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 + 3 क्या आता है 4 आता है, एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है 9 है, 9 + 4 क्या आता है 13 आता है, 13 + 3 क्या आता है यहाँ पे 19 आता है, ठीक है, सॉरी 13 + 6 क्या आता है यहाँ पे
थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन ही आता है ना, ठीक है, 19 एंड पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे सिक्स, सिक्स प्लस जीरो क्या आता है, सिक्स, सिक्स प्लस एट क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, तो यहाँ पे 14, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे फोर, यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे सिक्स मिल जाएगी, 604 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब यहाँ पे 6.25% है, तो ये किसकी फ्रैक्शन है, ये किसकी परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, 1/16 आती है, ठीक है। आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता, परसेंटेज टू यहाँ पे फ्रैक्शन पी बाय क्यू नहीं पता होगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की क्लास नंबर वन जरूर देखिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है। ये हर बार मैं बेसिकली तो नहीं बता सकता, इंटू के साथ में क्या है, यहाँ पे 192 है। अब यहाँ पे 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 1 16, 3 बचा 2 बचा, 32 बचा, 16 2 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला, सिंपली मुझे यहाँ पे 12 मिला, प्लस के साइड में क्या है। अब यहाँ पे 85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 85 का 2 टाइम्स कर दूंगा, इसका ही मतलब यहाँ पे 8 दूने 16, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 170 मिल जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 170 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। अगली बार से अपन क्या करते जाएंगे, इसका डबल करते जाएंगे, इसका आधा करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका डबल 170 आता है एंड इसका आधा 8 आता है 16 का, तो यहाँ पे 8 × 17 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 17 6 17 6 102 17 7 119 17 8 136 एंड यहाँ पे पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 41 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस का 12 है एंड माइनस का क्या है, 41 है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे 39 एंड माइनस का 29 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 29, 29 निकालना है तो 30 जोड़, 30 निकाल के एक जोड़ दो, 30 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 निकालूंगा तो यहाँ पे 30 मिलेगा एंड एक जोड़ दूंगा तो 31 मिलेगा, तो यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 31 मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का क्यूब। यहाँ पे -29 को मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे -30 एंड +1 लिख दिया, 30 निकाल के एक जोड़ दो, बात तो एक ही है, 29 निकालना क्या या फिर 30 निकाल के एक जोड़ देना क्या, ठीक है। क्योंकि -29 को ही कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 30 निकाल के एक जो -30 एंड +1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट करूंगा, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो यहाँ पे ये क्यूब एंड ये आपका क्यूब, क्यूब रूट एंड क्यूब कट हो जाएगा, तो ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्योरली यहाँ पे 11 मिल जाएगा, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब यहाँ पे 64.28% है, ठीक है। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन भी नहीं पता कोई बात नहीं, इसे स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50% लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस के साइन में। अब यहाँ पे 14. यहाँ पे 28% लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसे मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, इनटू के साइन में क्या है, बाहर, ऑफ, यहाँ पे 686 है। अब यहाँ पे 50% की फ्रैक्शन तो आपको पता है 1/2 आ जाती है एंड यहाँ पे तो 14.28% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/7 आती है, ठीक है। अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा, यहाँ पे दो क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्रैक्शन करनी होगी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब क्या आता है एलसीएम, मतलब क्या आता है, लोवेस्ट, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन, यहाँ पे फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या है, 2 है एंड 7 है एंड 2 एंड यहाँ पे 7 का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 के भी टेबल में वो नंबर आना चाहिए एंड 7 के भी टेबल में वो नंबर आना चाहिए, बट कैसे, यहाँ पे कम से कम समय में, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे 2 के भी टेबल में यहाँ पे 14 आता है एंड 7 के भी टेबल में 14 आता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आ जाएगा एंड 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के टेबल में यहाँ पे 14 तो आता है, बट गाइस यहाँ पे ये 14 क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के टेबल में यहाँ पे 28 भी आता है, ठीक है, आता है ना, यहाँ पे 2 के भी टेबल में, 2 के भी मल्टीपल में 28 आता है एंड 7 फोर्स भी क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है, तो 28 भी आप ले सकते हैं, बट आपको क्या करना है, कम से कम छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर लेना है। इसका ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, आज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगली बार से नहीं भूलना है, ठीक है, तो सुधर जाओ, ठीक है, सुधर जाओ, स्कूल की यादें थोड़ा ताजा कर लो,
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह पे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे एलसीएम क्या था, यहाँ पे 14 था, एंड यहाँ पे 14 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 से डिवाइड करना है बेसिकली इसको, तो 14 से डिवाइड करना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 × 56, ठीक है, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, 12 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 126, मतलब 49 से क्या आता है, 126 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 49 × 9 नहीं, ये नहीं भूलना है, ठीक है, यहाँ का 9 मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं भूलना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 × यहाँ पे 49 मिल जाएगा, माइनस के साइड में क्या है, अब यहाँ पे 12.5% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/8 आता है, ठीक है, 1/8, 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 86 एंड पीछे 10, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 मिल जाएगा, प्लस के साइड में क्या है, अब यहाँ पे 21 एक क्या आता है, 21 आता है एंड पीछे 10 लगेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 21 क्या आता है, 21 प्लस के साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 189 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 21 में से 6 गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा, एंड साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है, अब यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे सॉरी इन दोनों की एडिशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे 0 + 9 9 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 15 + 18 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 9 × 4 क्या आता है, 9 × 36, तो यहाँ पे 36 एंड पीछे 10, एंड यहाँ पे 9 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है, 81, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 339 है, इन तीनों की एडिशन कर देते हैं, तो यहाँ पे 3, अब यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं है, तो 3 + 0 3 आएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पीछे 20 लगेंगे। अब यहाँ पे 60 60 + 80 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 140 आ जाएगा, 140 + 30 क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 170 आ गया। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 + 9 क्या आता है, 10 आता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे 780 वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 780 मिल जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे कह दिया है, तो यहाँ पे 62.5% है, ठीक है, तो ये किसकी फ्रैक्शन है, यहाँ पे 12 × 5 = 60, मतलब यहाँ पे 12 × 5 मतलब 1/8 मतलब 5/5 क्या आ जाएगा, 5/5 यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/8 की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या आती है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 5% आता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो दोनों तरफ अगर मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 × 5 = 60 मतलब ये 62.5 के आसपास आएगा, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/8 लिख सकता हूँ, 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 एंड पीछे 10, ठीक है, एंड यहाँ पे 5 × 3 = 15 मतलब यहाँ पे 150 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 17 × 2 = 34 एंड पीछे 10, 17 क्या आता है, 51 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 75% मतलब क्या आता है, 75% मतलब यहाँ पे 3/4, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 × 3 = 12 एंड पीछे 10, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 यहाँ पे 90 मिल जाएगा, तो इसमें से 90 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 301 मिलेगा, ठीक है, एंड 301 + 150 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 451 मिल जाएगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 451 मिल जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, घंटी को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस। एंड और एक गाइस, अगर आपने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड कीजिए गाइस एवरी डे, यहाँ पे 6 PM को लाइव सेशन होता है, आपके SBI क्लर्क के लिए काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।